मुआशी फेश ने पेशगोई की है कि पाकिस्तान की मौजूदा मुस्लिम लीगी हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के बानी मुस्तकबिल करीब में जेरे हिरासत ही रहेंगे। फेश ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में कामयाबी मिली। जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जेल में कैद बानी PTI की हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान के शहरों में मुजाहरे मुआशी सरगर्मियों को मुतासर कर सकते हैं। फेश ने पेशगोई की है कि मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मिलकर मुआशी इस्लाहात करेगी। मौजूदा हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के अख्तिताम पर पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। शरह सूद में कमी भी तवक्को है। इम्कान है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% तक लाएगा।